हेलो दोस्तों, देखिए हम रीजनिंग के आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया है, इसको हम हल करते हैं। देखिए दो ये इंटू तीन लिखा हुआ है, ये हो जाएगा छः। इसको हम दो से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा तीन, जो बीच में संख्या दी हुई है उसी प्रकार इसमें करेंगे चार इंटू पाँच, ये हो जाएगा बीस। इसको दो से भाग करेंगे ये हो जाएगा दस। उसी प्रकार इसे तीसरे में करते हैं छः इंटू सात, ये हो जाएगा बयालीस। इसे दो से भाग करेंगे ये आ जाएगा इक्कीस। यही हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है पाँच चार, यहाँ पर बीस है, यहाँ पर लिखा है आठ, यहाँ पर आठ, यहाँ पर चौंसठ है, यहाँ पर छः है, यहाँ पर छः, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पच्चीस, दूसरा ऑप्शन है बारह, तीसरा ऑप्शन है छत्तीस, चौथा ऑप्शन है जीरो। चलिए ऐसे हम शुरू करते हैं। पाँच चार की गुणा कराएंगे तो पाँच चक्कू ये बीस यहाँ पर आ गया है। उसी प्रकार इसमें भी आठ और आठ की गुणा कराएंगे तो चौंसठ आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें छः और छः की गुणा कराएंगे तो छत्तीस हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है चार नौ, यहाँ पर छः लिखा हुआ है, यहाँ पर नौ है, सोलह, यहाँ पर बारह लिखा हुआ है, यहाँ पर सोलह, यहाँ पर पच्चीस है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है इक्कीस, दूसरा ऑप्शन है बीस, तीसरा ऑप्शन है पच्चीस और चौथा ऑप्शन है सोलह। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहले ऊपर का चार का अगर करेंगे ऊपर पर की पहले गुणा करते हैं तो चार इंटू नौ ये हो जाएगा छत्तीस। ये छः का वर्ग है, जो नीचे संख्या छः लिखी हुई है उसी बार इसे करेंगे सोलह इंटू नौ एक सौ चौवालीस। यह बारह का वर्ग है, उसी प्रकार सोलह पच्चीस की गुणा करेंगे आगे चार सौ, सोलह इंटू पच्चीस ये बीस का वर्ग है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा स्टार्ट होता है। इसमें दिया है पाँच छः तीन आठ, अंदर छः लिखा हुआ है, दस चार दो सात, अंदर छब्बीस लिखा हुआ है, नौ सात छः आठ, बीच में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं, बताते हैं। इसमें पहले ऊपर ऊपर की गुणा करना है, पाँच छः का तीस, फिर नीचे नीचे की गुणा तीन इंटू आठ या चौबीस, फिर इनका अंतर ले लेंगे ये हो जाएगा छः। उसी प्रकार अगले हम देखते हैं दस इंटू चार, उसी प्रकार नीचे दो इंटू सात, दस चक्की हो जाएगा चालीस, सात दूनी चौदह, ये अंतर लेंगे तो ये अंतर छब्बीस का आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरे में करते हैं, इसके ऊपर ऊपर की गुणा कराएंगे, नीचे नीचे की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा नौ इंटू सात बटे छः इंटू आठ, ये नौ सती हो जाएगा तिरसठ, छः अठे अड़तालीस, इनका अंतर लेंगे तो यह आ जाएगा पंद्रह। यही राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पाँच स्टार्ट होता है। यहाँ पर दिया तेरह चौबीस सोलह, पहले में छब्बीस अड़तालीस बत्तीस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर छियानवे, यहाँ पर चौबीस। इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है एक सौ साठ, दूसरा ऑप्शन पच्चीस, तीसरा ऑप्शन है बत्तीस, चौथा ऑप्शन है बावन। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए इस बार चौबीस दूना अड़तालीस की दो से गुणा हुई, फिर यहाँ जाइए अड़तालीस दूना छियानवे, इसमें भी दो से गुणा हुई। उसी प्रकार इसमें देखिए सोलह दूनी बत्तीस, ये भी दो से गुणा हुई, बत्तीस दूना चौंसठ हो गया दो से गुणा। उसी प्रकार ऊपर भी देखते हैं तेरह दूनी छब्बीस और छब्बीस दूना बावन, यहाँ पर बावन सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारे चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। यही सही आंसर है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर छः शुरू होता है। यहाँ पर तीन है, यहाँ दो है, बीच में छः दिया हुआ है, यहाँ पर बारह है, यहाँ पर सात है, बीच में चौरासी दिया हुआ है, यहाँ पर पंद्रह है, यहाँ पर नौ है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसके ऑप्शन इस प्रकार शुरू होते हैं, पहला ऑप्शन एक सौ बीस, दूसरा ऑप्शन एक सौ पैंतीस, तीसरा ऑप्शन एक सौ चालीस, चौथा ऑप्शन है एक सौ अड़तालीस। चलिए सब शुरू करते हैं। देखिए छः कैसे आए, तो तीन और दो की जब गुणा कराएंगे तो ये छः आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं बारह और सात की जब गुणा कराएंगे तो चौरासी आ जाएगा,
उसी प्रकार 15 और 9 की जब गुणा कराएंगे तो ये 135 आ जाएगा। 135 हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 7 स्टार्ट होता है, इसमें यहाँ पर दिया है 6, 21, 24, 84, 861, 2271, क्वेश्चन मार्क फिर दिया हुआ 80-94। चलिए सब शुरू करते हैं। ये दिया है 6 से 21, तो 6 से पहले 6 का दोगुना करेंगे, ये हो गया 12, इसके अंकों को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 21। उसी का 21 का हम दोगुना करेंगे, ये हो जाता है 42, इसके अंकों को पलट देंगे तो ये आ जाएगा 24। उसी प्रकार 24 का हम दोगुना करेंगे, ये होता है 48, इसके अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 84। उसी प्रकार 84 का हम दोगुना करेंगे, 2 + 2 = 16, 168 होगा, इसके अंकों को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 861। उसी प्रकार 861 का हम दोगुना करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 12, 2 × 2 = 16, 17, इसके अंकों को जब पलटेंगे तब ये हो जाएगा 2271। अब 2271 की हम 2 से गुणा कराएंगे फिर उसके अंकों को पलट देंगे, 2271 × 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 5, 2 × 2 = 4, इसके अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 24, 54। यही हमारा आंसर होगा 24, 54, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इस बात को कितना ची देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 शुरू होता है, इसमें दिया हुआ है 24, 30, 6, यहाँ पर है 30, 43, 13, यहाँ पर 43, 62 क्वेश्चन मार्क। अब हमारे ऑप्शन शुरू होते हैं, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 21, चौथा ऑप्शन है 9। चलिए इसे शुरू करते हैं, लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये 24, 30 यहाँ पर 6 है, तो इन ऊपर वाली संख्याओं का अंतर लिया गया है, 24, 30 से 24 घटाएंगे तो 6। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 43 से 30 घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा, उसी प्रकार 62 से 43 घटाएंगे तो ये 19 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 स्टार्ट होता है, यहाँ पर 16 है, यहाँ 7 है, यहाँ 207 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन 210, तीसरा ऑप्शन 247, चौथा ऑप्शन 184। चलिए सर शुरू करते हैं, पहले देखिए 16 इसका वर्ग लिखेंगे, ये होता है 256, फिर 7 इसका वर्ग लिखेंगे, ये होता है 49, फिर इनका अंतर ले लेंगे, 16 से 9 = 7, 4 से 4 = 0, 2, ये 207 आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी करते हैं, 25 का वर्ग होता है 625, 21 का वर्ग होता है 441, इनका अंतर लेंगे, 5 से 1 = 4, 12 से 4 = 8, 5 से 4 = 1, 184। ये 184 ऑप्शन नंबर 4th में दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू होता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 75, चौथा ऑप्शन है 26। चलिए इसे शुरू करते हैं, पहले इसमें 2 का वर्ग कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, फिर 4 का वर्ग कर लेंगे, ये हो जाएगा 16, फिर इन दोनों का योग कर देंगे, ये आ जाएगा 20। उसी प्रकार इसमें देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 9 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 81, फिर इनका योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 90। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 का वर्ग करेंगे ये 1 ही रहेगा, और 5 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 25, इनका योग कर देंगे ये हो जाएगा 26, यहाँ पर 26 आएगा, 26 हमारा चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, यही सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है 7, 5,
तीन चार पाँच एक आठ दो। देखिए यहाँ सात दिया, यहाँ पाँच, यहाँ 144 दिया है, फिर तीन चार यहाँ 49 दिया हुआ है, पाँच और एक यहाँ 36 दिया हुआ है, यहाँ आठ है, यहाँ दो है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 82, दूसरा ऑप्शन है 124, तीसरा ऑप्शन है 68, चौथा ऑप्शन है 100। चलिए इसे अब शुरू करते हैं। देखिए इसे पहले यहाँ दिया हुआ 7, यहाँ दिया हुआ 5, तो इनको हम ऐसा क्या करें जो यहाँ पर 144 आ जाए, तो हमको 7 और 5 को आपस में जोड़ देंगे, 7 + 5 ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर लाना 144, तो 12 को हम स्क्वायर जब कर देंगे तो 100 हो जाएगा 44। उसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 4, इनको हम योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, 7 यहाँ पर हमें लाना 49, तो हम 7 का जब वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 49। उसी प्रकार इसमें देखिए, ये दिया है 5, ये दिया हुआ 1, ये 5 और ये 1, इनका योग करेंगे ये 6, यहाँ पर है 36, तो हम 6 का जो वर्ग कर दें तब ये हो जाएगा 36। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 8, यहाँ दिया हुआ है 2, तो हम 2 लिख लेते हैं, ये 8, इनका योग करेंगे ये हो जाएगा 10, अब इसका हम वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ पर x की जगह पर 100 आएगा, 100 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 121 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 144, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 86, चौथा ऑप्शन है 81। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए ये दोस्तों 16 लिखा हुआ है, ये 4 का वर्ग है, और ये 25 लिखा हुआ है, ये 5 का वर्ग है, जिनको योग कर देंगे तो 4, 5, 9, ये नीचे वाली संख्या दी हुई है। इधर देखिए, ये दिया 49, ये 7 का वर्ग है, ये 64 दिया हुआ है, ये 8 का वर्ग है, 8 × 7 = 15 होता है, यहाँ पर दिया हुआ 36, तो इसका मतलब हुआ ये नियम नहीं यहाँ पर लगेगा। अब चलो कोई दूसरा नया नियम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, तो 9 ये 3 का वर्ग है, 16 ये 4 का वर्ग है, 25 ये 5 का वर्ग है, मतलब इसका ये लगातार वर्ग रूप में संख्याएं चल रही हैं, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। उसी प्रकार इसमें देखिए, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग दिया हुआ है, ये 8 का वर्ग दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये 10 का वर्ग दिया हुआ है, ये 11 का वर्ग दिया हुआ, और यहाँ एक तरफ से चल रही है 6, 7, 8, तो यहाँ पर 9 का वर्ग होना चाहिए, 9 का वर्ग होता है 81, तो यहाँ पर 81 सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा शुरू होता है अगला, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 29, यहाँ पर 59, यहाँ पर 117, यहाँ पर 235। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है 438, दूसरा ऑप्शन है 469, तीसरा ऑप्शन है 386, चौथा ऑप्शन है 327। चलिए इसे हम देखकर शुरू करते हैं। देखिए 4 से 7 कैसे है, 4 में जब 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 29 ये 14 होगा, 3, 5, 8, 8, 6, 14, ये कोई अच्छा तरीका नहीं बना। चलिए अब अगला हम तरीका देखते हैं। अगला तरीका देखिए, ये 4 से 7, 4 के जब 2 से गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 8, इसमें -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, उसी प्रकार 7 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, और इसमें -1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। अगली बार देखिए, इसकी 15 की हम 2 से गुणा कराएंगे, 30 - 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29। देखिए एक बार गुणे दो -1, एक बार गुणे दो +1, एक बार गुणे दो -1, एक बार गुणे दो +1, यहाँ 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 29 × 58 होता है, और +1 कर देंगे ये हो जाएगा 59। उसी पर 59 × 2 करेंगे, 59 × 2 होता है 118, इसमें जब -1 करेंगे
तब ये 117 आ जाएगा। इसी प्रकार 117 का दो गुना करेंगे ये होता है 234, प्लस 1 करेंगे ये हो जाएगा 235। अब आगे देखिए, ये 235 गुणे 2 करेंगे ये होता है 470, और माइनस यहाँ प्लस है ये तो यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 469। देखिए दोस्तों, गुणे 2 माइनस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 माइनस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 माइनस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 माइनस 1, यहाँ पर ये सीरीज चल रही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा 469, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अब हमारे YouTube चैनल का नाम है अनुराग पाल RRB। कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।